दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल के रिक पॉली पर। जहां दोस्तों 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा, तो अभी हाल ही में रिलीज हुई है 5 अक्टूबर को सिनेमाघरों में मेगा स्टार चिरंजीवी सर और सलमान खान की फिल्म गॉडफादर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉडफादर फिल्म के पूरे 4 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे विक्रम वेधा फिल्म के पूरे 9 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप ऋतिक रोशन और सलमान खान और चिरंजीवी सर को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें विक्रम वेधा की, तो पुष्कर गायत्री के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी। फिल्म बनाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वैसे ऑडियंस को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले साउथ में भी विक्रम वेधा बन चुकी है, जो कि विजय सेतुपति की फिल्म थी और उसी का ऑफिशियल रीमेक थी बॉलीवुड की विक्रम वेधा। फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था और फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर 10.5 करोड़ रुपए का इंडिया से नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, तो वहीं दूसरे दिन सैटरडे को फिल्म ने 12.5 करोड़ रुपए कमाए थे। फिर तीसरे दिन संडे को फिल्म के कलेक्शन में और उछाल हुआ और फिल्म ने 14.5 करोड़ रुपए अपने तीसरे दिन संडे को कमाए, और कुल मिलाकर फिल्म का जो पहले 7 दिनों का थर्सडे तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो इंडिया में नेट हो गया था 59 करोड़, और वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 98 करोड़ रुपए हो गया था। अभी अगर उसके बाद फिल्म के दूसरे फ्राइडे यानी कि 8वें दिन की बात करें तो फिल्म ने लगभग 3 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म अपने 9वें दिन यानी कि आज 4 करोड़ रुपए कमा रही है। तो फिल्म का जो इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 65 करोड़ रुपए हो चुका है और वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 110 करोड़ रुपए के पास जा पहुंचा है। अब भैया 9 दिनों में फिल्म 110 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमा रही है और अभी कल संडे है, तो कल के बाद मुझे लगता है कि फिल्म बहुत धीमी हो जाएगी, लेकिन अपने बजट तक फिल्म पहुंचती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब दोस्तों बात करें फिल्म गॉडफादर की, सलमान खान, चिरंजीवी सर और नयनतारा अहम भूमिकाओं में थे फिल्म में और फिल्म को डायरेक्ट किया था मोहन राजा ने। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है। मात्र सिर्फ 4 दिनों में फिल्म वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर वेनसडे को 20 करोड़ रुपए का इंडिया से नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, तो वहीं दूसरे दिन फिल्म ने लगभग 12 करोड़ रुपए कमाए थे और तीसरे दिन फ्राइडे को फिल्म ने 9 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं चौथे दिन सैटरडे को आज फिल्म 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रही है, क्योंकि हिंदी में फिल्म की जो स्क्रीनें हैं वो बढ़ा दी गई है। तो फिल्म का जो पहले 4 दिनों का इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो जाएगा लगभग 56 करोड़ रुपए और वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है लगभग 125 करोड़ रुपए। जहां दोस्तों अपने पहले 4 दिनों में ही फिल्म विक्रम वेधा को मात दे चुकी है सलमान खान और चिरंजीवी सर की फिल्म गॉडफादर। अब दोस्तों इन दोनों में बेस्ट फिल्म कौन सी है कमेंट में फिल्म का नाम जरूर लिखिएगा। थैंक यू।